नमस्कार साथियों, इजी गार्डनिंग बाय भरत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये मेरे सफ़ेद गुड़हल का फूल है, ये मेरे सफ़ेद गुड़हल का प्लांट है। इसको मैंने कटिंग के द्वारा उगाया है और अभी इसकी मैंने एक भी बार प्रूनिंग नहीं की है। और आप देखिए इसमें कितने एक साथ गुच्छों में कितनी सारी कलियाँ इसमें आ रही हैं। हर डाली पर लगभग 5 से 7 कलियाँ इसमें आ रही हैं और ये अभी मुझे खूब फूल दे रहा है। लगातार मुझे फूल प्राप्त हो रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें छोटी से छोटी डाली पर भी 2 से 3 कलियाँ दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ में ये मेरा एक और गुड़हल का फूल है, ये पिंक कलर का गुड़हल का प्लांट है। इसमें भी देखिए आप, इसको भी मैंने कटिंग के थ्रू उगाया है और ये प्रूनिंग अभी इसकी मैंने एक ही बार नहीं की है। और आप देख सकते हैं इसकी डालियों पर कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं और ये मुझे नियमित रूप से फूल दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जलूल का प्लांट है, इसमें बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के फूल लगते हैं। ये देखिए, ये मेरा ये गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है, इसमें भी ये पोटल का है, इसमें बहुत सारी कलियाँ और फूल आ रहे हैं। ये मेरी बोगनविलिया है, इसको मैंने ग्राफ्ट करके 2 कलर का बना दिया है। ऐसे मेरे बहुत सारे फूल हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब के लिए मैंने सिर्फ एक मात्र एक तरह की ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, जिसके विषय में मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। सिर्फ एक खाद ही को मैंने इन सब में डाला। ये देखिए, ये मेरा पिंक रेन लिली है। अभी हमारे यहाँ पर बारिश का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है और ये मुझे दूसरी बार इतने सारे फूल से मिले हैं। इसको मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रखा है, देखिए आप कुछ इस तरीके से। इसके फूल मुझे बेहद पसंद हैं। ये एक साथ खिलते हैं और बहुत सारी कलियां इसमें आती रहती हैं। मैं बात कर रहा था आपसे जरूर के पौधे की, ये मेरा जरूर का पौधा है, इसके फूल मुझे बहुत पसंद हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब ये देखिए, मेरा मोगरा है, इसको भी मैंने सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र दिया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। ये पूरी तरीके से कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। देखिए, एक साथ 5-5, 7-7 कलियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। हर जगह पे ये पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है। ये अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और ये इस सीज़न में दूसरी बार मैं ऐसे इतनी सारी फ्लावरिंग ले रहा हूँ। तो ये है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र प्याज। ये प्याज के छिलके हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, प्याज को तो इनको हम फेंक देते हैं। तो ये प्याज के छिलके हैं, लगभग 300-400 ग्राम। इनमें हम लगभग 500 ml पानी मिला देते हैं। ये पानी में अच्छे से घुल जाएंगे और ये डूब जाएंगे और इसको हम लगभग 10 से 12 घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखिए साथियों, लगभग 10 घंटे बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको हम इस प्लास्टिक के कंटेनर में छान लेते हैं, छलनी की मदद से छान लेते हैं। छानने के बाद ये जो छिलके बचे हुए हैं, इनको हम दूसरी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे तक ही इनको भिगा कर रखेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं भिगाएंगे और फिर इनको हम फेंक देंगे। इसमें हमने 500 ml पानी मिलाया था, अब इतना ही हम इसमें साफ पानी मिला देंगे। कहने का मतलब है कि हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो इसमें मैं अच्छा पानी मिला देता हूँ, 500 ml के लगभग। अब ये डाइल्यूट हो चुका है, अब इसको हम हमारे पौधे के साइज के हिसाब से देंगे। जरूर के पौधे में मैं दे रहा हूँ, जितना बड़ा पौधा उसमें लगभग हम दे सकते हैं 200 से 150 ml के आसपास, और छोटे पौधों में 50 से 60 ml हम इसको दे सकते हैं। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।